अविश्वास प्रस्ताव ने चर्चा ना बीजा दिवसे राहुल गांधी वडाप्रधान मोदी पर मणिपुर हिंसा ना मामले आकरा वाक प्रहार कर्या छे। राहुल गांधी कहूं छे कि वडाप्रधान मोदी मणिपुर गया नहीं, कारण के तेवो तेने हिंदुस्तान नो भाग मानता नथी। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। केंद्र सरकार सामेना विश्वास प्रस्ताव की चर्चा दरमियान राहुल गांधी संसद में सरकार अने वड़ा प्रधान मोदी पर शाब्दिक प्रहारों कर्या हता। તેમણે હિંસાગ્રસ્ત મણિપુરની મુલાકાતે નહીં જવાના મામલે પીએમ મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે તેઓ મણિપુરને હિન્દુસ્તાનનો હિસ્સો માનતા નથી। અમારે પ્રધાનમંત્રી નહીં ગયે, શેમ, આજ તક નહીં ગયે, શેમ, શેમ, ક્યોકી ઉનકે લિયે મણિપુર હિન્દુસ્તાન નહીં હે, શેમ। એને મણિપુર શબ્દ પ્રયોગ કિયા મગર આજ કી સચ્ચાઈ યે હે कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नो उल्लेख करीने कह्यू कि भारत घमंड ने मिटावी दे छे, भारत एक आवाज छे और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। राहुल गांधी पीएम मोदी ने निशान लेता लंका ने हनुमान जी नहीं पर रावण ना अहंकार बाड़ी होवानु जणाव्यु हतु। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। पीएम मोदी, अमित शाह ने अदाणी एम बे लोगों नु सांभळता होवानु जणावता राहुल गांधी कह्यू कि रावण पण मेघनाथ अने कुंभकर्ण नु सांभळतो हतो। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। મહત્વપૂર્ણ છે કે રાહુલ ગાંધી મંગળવારે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની શરૂઆતમાં બોલવાના હતા અને બાદમાં અહેવાલ હતા કે 10મી ઓગસ્ટે તેઓ બોલશે, પણ લોકસભા સદસ્યતા બહાલ થયા બાદ બુધવારે તેમણે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર સંબોધન કરીને પીએમ મોદીને સીધા નિશાન લીધા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી।